तो कल से जो बारिश है ना वो कम हो रही है, अच्छे से धूप भी निकली है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने डोर मैट्स थोड़े से सूखे नहीं थे तो इसकी वजह से मैंने बाहर ही इनको रख दिया है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि बालकनी में ना जो पौधे हैं ना उनके पत्ते वगैरह ना ऐसे गिर जाते हैं, जो पीले पड़ जाते हैं ना पत्ते, वो नीचे गिर जाते हैं और वो तो ख़राब ही लगता है। और बारिश का अगर थोड़ा सा भी पानी वहाँ पर आता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और धूप अच्छे से निकली है इसकी वजह से वो जल्दी से सूख भी जाएगा। अभी मैं यहाँ पे शॉवर लेके आ गई हूँ और रेडी भी हो चुकी हूँ। तो क्या हुआ कि काम किया ना तो बाद में मैंने पानी ही नहीं पिया था, तो अभी मुझे प्यास लगी तो पहले सोचा कि चलो मैं पहले पानी पी लेती हूँ और उसके बाद बाकी का थोड़ा काम है वो कर दूँगी। क्योंकि ये जो सोफ़ा वगैरह है ना उसके ऊपर भी ना धूल वगैरह बैठ जाती है, तो इसको मुझे थोड़ा सा ठीक से करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम काम करते रहते हैं ना तो ज़्यादा जब हम डीप क्लीनिंग करने के लिए जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं ऐसे ही कर देती हूँ, जब भी मुझे कोई थोड़ा बहुत सा टाइम अगर मिल जाता है ना तो मैं ये कुछ ना कुछ ऐसे सफाई वगैरह घर की करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर भी थोड़ी सी धूल बैठी थी तो इसको भी मैं थोड़ा सा पोंछ लूँगी। और ये जो क्या बोलते हैं उसको टीपॉय हो गए, टीपॉय भी थोड़ा सा मेसी मेसी यहाँ पे लग रहा है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या होता है वो कुछ ना कुछ गिर भी जाता है तो इसकी वजह से उसको क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो बस वही मैं क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे डोर है तो डोर को भी थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ ताकि वो भी अच्छे से दिख जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले अच्छे से धूप निकली थी और हवा भी अच्छे से चल रही है, तो मैंने क्या किया था सारे जो कपड़े थे ना वो बाहर बालकनी में रख दिए थे। और उसके बाद जो ऐसे जोरों की बारिश आ गई ना कि सारे कपड़े मुझे करके अंदर लेने पड़े। और अभी देखो फिर से अच्छे से धूप निकली है, तो इस बारिश का ना ऐसे ही चल रहा है, बस धूप फिर निकलती है उसके बाद फिर से बारिश हो रही है। यार कितने कपड़े निकालूँ, कितने रखूँ, कितनी बार रखूँ ना, आजकल बस यही चल रहा है। और कपड़े ना जल्दी से सूखते नहीं है, सभी को पता है, वैसे सभी के घर में ऐसे कपड़े होते ही होंगे ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बाहर रखूँ कपड़े या फिर नहीं रखूँ, फिर से बारिश आ गई तो फिर से मुझे उसको निकालना ही पड़ेगा। वैसे धूप आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर वो ज़्यादा आ जाती है तो फिर से जो गर्मी है ना वो शुरू हो जाती है। और सब कुछ जो मेरा काम था ना सुबह का वो मैंने कर दिया है, जो क्लीनिंग वगैरह जो भी होता है ना क्लीनिंग का काम वो सुबह का मैंने कर दिया। और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है, बस मेरा जो किचन काउंटर है उसको बस क्लीन करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें क्लीन करना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा सावन तो मेसी हो ही जाता है तो उसको क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाने वाली हूँ। और कल वैसे है अंगार की संकष्टी चतुर्दशी है ना, तो इसके वजह से उसकी भी तैयारी करनी है। और सोच रही हूँ कि फास्ट रखूँ ना रखूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं रखा है, मैं उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं रखती हूँ। बट सोच रही हूँ, मतलब अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट ये जो भी कुछ भी अगर अच्छा त्यौहार वगैरह होना ऐसे तो मैं होता है ना कि घर में कुछ अच्छे से खाना बनाना या फिर भगवान जी की अच्छे से पूजा करना, ये तो होता है ना। तो इसके वजह से कल पूरा दिन मेरा बिजी जाने वाला है, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा बहुत सा क्लीनिंग का काम मैं आज कर लेती हूँ। कितना भी क्लीनिंग करूँ बाहर से धूल वगैरह आती है ना तो सब कुछ ख़राब होता है और वो बार बार क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हम क्लीनिंग करते हैं ना तो हमारे लिए अच्छा होता है। जब हम डीप क्लीनिंग करने के जाते हैं ना तो उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो चलो मैं अभी चलती हूँ किचन काउंटर को क्लीन करने।
तो अभी आई हूँ मैं किचन में और ये देखो काउंटर देखो कितना मेसी मेसी सब कुछ है ना, सामान सब कुछ मेसी मेसी सा है। तो ये सभी की कहानी होती है ना, सभी के साथ ऐसा ही हो जाता है। तो अभी मैं इसको ठीक कर देती हूँ, काफ़ी मेसी है आज क्योंकि सुबह बस ऐसे ही कुछ काम चलता रहता है ना, तो इसकी वजह से टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चल पाता। तो चलो इसको भी ठीक से रख देती हूँ मैं। फाइनली तो मेरा काउंटर टॉप है यहाँ का, मैंने क्लीन कर दिया है और अभी मैं डिनर का सॉरी लंच का है वो देख लूँगी कि क्या करना है। और सुबह ने मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी एंड रियली बहुत अच्छी बनती है। देखो बाउल में मैंने निकाल के रखी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पिछली बार भी मैंने कभी तो बनाई थी, इस बार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने देखा है, मतलब मैंने इतनी बार सब्जी बना देती हूँ ना तो मुझे पता चल गया कि क्या होता है कि भिंडी जो है ना वो हम जब फ्राई करते हैं ना तो वो अच्छे से हम अगर फ्राई कर लेते हैं ना तो सब्जी भी बहुत अच्छी बन जाती है। और वैसे भी वो फ्रेश ही थी भिंडी तो बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो ये इस तरह से आपको मेरा काउंटर दिखेगा। और यहाँ पे ये बर्तन, बहुत सारे बर्तन हैं वैसे क्योंकि मेरे सुबह के वैसे बर्तन सारे जो थे मतलब कल रात के बर्तन होते हैं ना वो मैं सुबह रख देती हूँ तो वो मैंने रख दिए, बट फिर भी सुबह के बर्तन ब्रेकफास्ट के तो पड़ ही जाते हैं ना। तो अभी ये सूखे नहीं है, सूखने के बाद मैं इनको रख दूँगी। तो चलो अभी लंच का देख लेती हूँ क्योंकि 12 बज चुके हैं ना। देखो 12 बज के चले गए हैं, तो चलो देख लेती हूँ लंच और बाकी का काम है वो भी देख लूँगी। धूप देखो अभी भी हल्की सी बारिश आ गई थी, अभी भी मतलब हल्की सी बारिश आती है और उसके बाद फिर से धूप है वो आती है। तो कोई समझ में नहीं आता कि कपड़े बाहर सूखने के लिए डालूँ या ना फिर ना डालूँ। वैसे थोड़े से मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिए, बस वहाँ पे ना बारिश उतनी नहीं आती है। हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश आती है ना, उल्टी पुल्टी आ जाती है तो भीग जाती है सब। थोड़ी देर के लिए मैंने कपड़े रख दिए, जान दो देख लूँगी बाद में, ठीक है। तो चलो बना देती हूँ लंच। और कल का अगर आपने DIY नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी वाला DIY है। और मैं आपके साथ ऐसे ही बस DIY शेयर करती रहूँगी। और ये मुझे ना मेरे सारे जो मैंने अभी तक जितने भी सारे DIY बना दिए हैं ना वो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, ताकि बहुत सारे मतलब ऐसे लोग अभी नए जुड़े हैं ना, नए सारे व्यूवर्स आ गए हैं। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे जो DIYs है ना वो दिखा दूँ। देख लेती हूँ अभी कब टाइम मिलेगा, तो जब टाइम मिलेगा तब मैं आपके साथ जरूर सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलो बना देती हूँ लंच। गाइस आपके यहाँ पे बारिश कैसी है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और बहुत सारा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ है ना। मतलब पहले हिमाचल में बाढ़ आ गया था और उसके बाद यहाँ पे चिपून में या फिर कोल्हापुर में बहुत सारा बाढ़ का पानी घर में घुस चुका है, शॉप में भी घुस चुका है और काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ है। मतलब इतनी कार्स वगैरह उसमें ऐसी बह के भी चली गई है और कितने सारे लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ी है। तो बहुत बुरा लगा इस न्यूज़ को देख के। और सच में हमारे घर में थोड़ा सा भी अगर पानी आ जाता है ना तो हम कितने परेशान होते हैं, या फिर थोड़ी सी भी हल्की सी भी और मिट्टी पड़ जाती है ना। मतलब मैं अपना कहूँ ना तो मैं जब भी पौधे लगाती हूँ ना तो थोड़ी सी मिट्टी तो नीचे गिर ही जाती है, और इतनी सी भी मिट्टी अगर गिर जाती है ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मैं तुरंत उसको क्लीन कर देती हूँ। तो
अभी जो बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से जिनके घर में मिट्टी गई है, पानी जा चुका है, उनकी क्या हालत होती होगी ना, उनको क्या लगता होगा, मतलब इतना सभी हमारे घर में अगर कुछ हो जाता है तो हम कितने परेशान होते हैं, और उनका पूरा घर मतलब एकदम मड़ी मड़ी टाइप का हो गया है, तो उनको कितनी सारी तकलीफ झेलनी पड़ती होगी ना। तो आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़ में, फ़ोटोज़ वगैरह में मैंने देखे यार, कितनी हालत हो गई है उन लोगों की यार, सच में। मतलब बारिश ना सभी को पसंद आती है, बट ऐसी वाली बारिश बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पसंद आएगी ना। मतलब एनिमल्स को यार क्या होता होगा ना उनको, क्योंकि वहाँ पे मैंने न्यूज़ में भी देखा कि जो मगरमच्छ होती है ना वो, और जो सांप वगैरह होते हैं वो भी कुछ कुछ लोगों के घर में भी गए थे, या फिर वो भी बाढ़ की वजह से वहाँ पे घर तक, मतलब घर में भी कुछ मगरमच्छ गई थी, कुछ बहुत सारे लोगों ने मगरमच्छ को देखा है यार। हम ऐसे ही मगरमच्छ को देखते हैं ना, फोटो में भी अगर देख लेते हैं तो हमें कितना डर लगता है ना, तो वो उन लोगों के सामने मगरमच्छ वगैरह ऐसे जा रहे थे, वो उन लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे उस वक्त, तो यार सच में मतलब हम क्या होता होगा उनके साथ था यार। वो एक है लेडी, वो बता रही थी कि हमारे सामने मगरमच्छ वगैरह थे और हम बस दौड़ रहे थे, खुद को बचाने के लिए दौड़ रहे थे यार। सच में मतलब एकदम रूह कांप जाती है ऐसे सीन देखकर, और अभी लोग फोटो वगैरह डाल रहे हैं ना, सच में बहुत बुरा लगता है ऐसे इतना, मतलब फोटो देखकर या फिर वीडियो देखकर हमें इतना बुरा लगता है, तो उनके साथ क्या क्या होता होगा। और सच में जो लोग उनको, उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं ना, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं वो, सच में उनको सैल्यूट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको। मतलब कुछ यूट्यूबर्स भी है उसमें से, तो ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोगों को तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए। हम डायरेक्टली अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली तो करनी चाहिए। तो कुछ लोग उनको खाना वगैरह भी दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। हमारे यहाँ पे ना जो मेन हाईवे वगैरह है वो बंद हो चुका है, तो इसके वजह से सब्जी भी ना, वो लोग पहले से ही बोल रहे थे कि सब्जी वगैरह नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक वो शुरू नहीं होता रोड तब तक वगैरह, मतलब सब्जी है मार्केट में बट वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं आएगी, तो अभी पता नहीं वो आएगी या नहीं। बट उस वक्त वो सब्जी वाले भी कह रहे थे कि अभी सब्जी नहीं आएगी, फिर जो भी होगी वो पहले लाके रखी है हमने, वही हम सिर्फ हम सेल कर सकते हैं, बट फ्रेश सब्जी आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो अभी पता नहीं, वो हाईवे अभी तक शुरू नहीं हुआ है, शायद उसका काम चालू है। अभी शाम का वक्त है और बाहर देख सकते हो इस तरह से वेदर है, बिल्कुल भी आज बारिश नहीं हुई है, मतलब सुबह बारिश हुई थी बट दोपहर के बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं है, और अच्छे से हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के ऐसे अगर बारिश चली जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आती है बारिश बट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आती, हल्की हल्की सी आ जाती, काले बादल आपको दिखाई देंगे बट इतनी बारिश नहीं होती है। और अभी मैंने यहाँ पे जो बैंगन की सब्जी होती है ना वो बना दी है, और कल है अंगार की संकष्टी चतुर्दशी, तो मैं फास्ट करने वाली हूँ ऐसा मैंने सोच लिया है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो साबुदाना होता है ना वो भिगो कर रख दिया है। और अभी मैं गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा।